स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सुवरीवन, आज का हमारा जो सेगमेंट है वह करंट अफेयर का सेगमेंट है और पॉलिटी का जो चैप्टर वाइज अपलोडिंग चल रही है डिस्कशंस का, वह 2 दिन से रुका हुआ है। थोड़ी सी सर्वर में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिल्ली में भी बारिश हो रही है, हाई पिक्सल्स के वीडियो होते हैं तो अपलोडिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, जिसको पाके भी रुका हुआ है। और पूरी क्रम वाइज लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का अपलोड होगा। आज का जो सेगमेंट है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं। इसको इन्जॉय करते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत में किया जाएगा फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन। देखिए, अगर आपके पास कोई नोटबुक या पेन है ना तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना। देखिए, जो इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट चल रहा उसमें मैं कहता हूँ कि कुछ नोट वोट मत करो, बस उसको मैक्सिमम टाइम सुन लो, ठीक है? क्योंकि उतनी बड़ी बुक कितना नोट्स बनाओगे, आपके पास ऑलरेडी उसका नोट्स बना होगा, ठीक है? लेकिन जो करंट अफेयर के सेगमेंट होते हैं ना, ये 2 से 3 दिन बाद भूल जाता है, ठीक? इसको आप प्लीज़ नोट कर लेना, बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स में ही नोट्स बना लो। ऑलरेडी मैं जो हाईलाइट पॉइंट है मैं उसको ही हाईलाइट किया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में पूछने के चांस बन सकते हैं। मैं उसको पहले ही शॉर्ट कर दिया हूँ, आप उसको और शॉर्ट में अपने मेमोरी के हिसाब से उसको एक नोट्स बना लीजिए। भारत में किया जाएगा फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। 2022 फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण है। ये प्लीज़ याद रखना कि 2022 का ये जो फीफा अंडर 70 है, ठीक है, अंडर 70, ये 7वां संस्करण है, 7वां संस्करण है, ये पेपर में आ सकता है। 7वां संस्करण है। यह 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले हैं। फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप हर 2 साल में आयोजित होता है। इसका जो अल्टरनेट टाइमिंग है आयोजन का, ये हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। यह 2008 से फेडरेशंस इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशंस फीफा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह टाइमिंग भी याद रखना कि 2008 से भारत को 2020 संस्करण की मेजबानी करनी थी, जो कि कोविड-19 महामारी के द्वारा कारण रद्द कर दिया गया था। 2022 संस्करण दूसरी बार है यह, जब भारत पुरुषों के 2017 फीफा अंडर 70 विश्व कप के बाद फीफा टूर्नामेंट में मेजबानी करेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, प्लीज़ इसको आप नोट कर लेना। इस टूर्नामेंट में स्पेन डिफेंडिंग चैम्पियन है। दिस इज द मस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, ओके। मोरक्को, तंजानिया, भारत इस टूर्नामेंट में पदार्पण करेंगे। यह टूर्नामेंट 3 स्थानों, पहला भुवनेश्वर, दूसरा नवी मुंबई और तीसरा गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये नाम भी याद रखना, ओके। फीफा के बारे में देख लेते हैं। फीफा फुटबॉल, बीच फुटबॉल और फुटसल के संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1904 में राष्ट्रीय संघों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को देख रेख के लिए की गई थी। वर्तमान में फीफा के 211 राष्ट्रीय संघ हैं। इन संघों को अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी और मध्य अमेरिका और कैरिबियन, ओशिनिया और दक्षिण अमेरिका के 6 क्षेत्रीय संघों में से एक का सदस्य होना चाहिए। और 2022 में रूस को निलंबित कर दिया गया था। दिस इज द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, ओके। एवरीवन, आई होप कि आपको ये सेगमेंट एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे। अगर आपको कुछ कमी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ वो भी आपका कमेंट हमारे मोटिवेशन काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।